हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके दिए गए मैट्रिक्स जो कि 3x3 ऑर्डर में है, इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसके इन्वर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना होगा ए इज इक्वल टू आई। और काम क्या करना है कि ए को आई में कन्वर्ट करना है, वही ऑपरेशन जो ऑपरेशन ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए लगाओगे, सेम ऑपरेशन लगेगा आई के लिए जो कि बी में कन्वर्ट होगा, और यही इन्वर्स जो होगा यही बी कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, ये काम हमें करना है। तो क्या करें इसके लिए, या तो रो का एप्लीकेशन लगाओ या तो कॉलम का एप्लीकेशन लगाओ, तो जो आपको बेटर लगे। तो मैं रो का एप्लीकेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो मान लो कि दिया गया मैट्रिक्स ए है 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 और 0। बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू आई। क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, देयरफॉर ये हो जाएगा 1 -3 2। ठीक है, ये हो गया 3 0 5, ये हो गया -2 -5 0। यहाँ पे देखो i का वैल्यू क्या लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर हो जाएगा a। क्लियर है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है कि ये पूरे मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको यहाँ पर तो 1 है, चलो इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, उठाते हैं हम लोग R2 से उठाते हैं। ठीक है, R2 पे देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 0, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1 करना है, और यहाँ पर हमें 0 करना है। तो आप एक एक रो या कॉलम को लेके वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एक रो या कॉलम को लेके काम कर सकते हैं। तो मैं अभी सबसे शुरू में R2 ले रहा हूँ, थोड़ा डिजिट को छोटा कर देता हूँ। तो R2 बराबर देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं R2 बराबर R2 + 3R1, R2 + 3R1। देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, -3 में 3 × 1 ऐड करेंगे तो देखो 0 आ जाएगा ना। तो एक एक एलिमेंट लेके वर्क करो, देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। सभी को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। तो देखो ये 1 3 -2 को रहने दिए। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं -3 × -3 + 3 × 1, तो देखो ये 0 हो गया। फिर यहाँ देखो 0 + 3 × 3 9, तो ये 9 हो गया। फिर देखो ये -5 है, तो -5 और +3 × -2, -5 और -6 मिलकर हो गया -11। और ये देखो 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है 0। अच्छा सेम ऑपरेशन हम लोग इसके लिए भी यूज करेंगे। ठीक है ना, सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। देखो क्या करेंगे, 1 0 0 को रहने दीजिए। ठीक, अब देखो 0 में 3 × 1 ऐड करो, तो 3 × 1 1 3, तो 0 में 3 ऐड किए तो 3 हो गया, 1 + 3 × 0 1 ही रहेगा। ठीक है, और 0 + 3 × 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और इसको आप 0 0 1 रहने दो, और ये हो गया ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 0, फिर इसको अगर हमें 0 बनाना है तो क्या करेंगे बताओ, R2 बराबर ले लेते हैं, एक एक कॉलम या एक एक रो करके काम करो, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 0 0 बना रहे हैं, तो यहाँ R2 बराबर हम कर देते हैं R2 - 2R1, R2 में से 2R1 घटाया, तो देखो 2 में से 2 × 1 गया, तो 0 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 - 2 को एडिटेज रहते, तो इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। अब देखो 0 9 और -11 में भी हमने चेंजिंग नहीं किया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ R3 को ना चेंज कर दें, तो R2 नहीं लिखना होगा, सॉरी ये R3 हो जाएगा। ठीक है, ये R3 हम लिख रहे हैं 2 में से 2 × 1 घटा के। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 2 माइनस, देखो R3 - 2R1, 2 - 2 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। 5 - 2 × 3, तो 5 - 6 -1 होगा, और 0 - 2 × -2, तो +4, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम आप लोग को यहाँ पे भी R3 में करना है। देखो ये 1 0 0 रहने दो, ये 3 1 0 रहने दो। अब देखो 0 में से कितना घटाओ, 2 × 1, तो -2 हो जाएगा। देखो 0 - 2 × 1, फिर देखो 0 में 2 × 0 घटाओगे तो 0 आएगा, और 1 में 2 × 0 घटाओगे तो 1 आएगा, और ये हो गया ए। क्लियर है ना। चलिए अब क्या किया जाए, अब देखो अब कौन सा ऑपरेशन लगा, 1 0 0 हो गया, अब 0 1 0 लाना है, इसको हमें 0 करना है। तो फिर देखो हम R1 में
R1 में क्या करते हैं, इस R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो देखो 3 में माइनस 3 जोड़ेंगे तो 0, और 1 में 3 इंटू 0 जोड़ेंगे तो 1। देखो 1 डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ऐसा काम हम कर सकते हैं क्या। तो यहां पर लेते हैं R1 प्लस 3 R3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 ऐड होगा तो 0। कॉलम वाइज चेंज करो या रो वाइज चेंज करो बेटर रहेगा। तो देखो इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो 1 में 3 इंटू 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही रहेगा। 3 इंटू माइनस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और माइनस 2 में आप देखो 4 इंटू कितना ऐड कर रहे हो, 4 इंटू 3, तो माइनस 2 में 4 इंटू 3 तो 4 इंटू 3 12, प्लस 12 में माइनस 2 गया तो क्या बचा, 10, ठीक है। बाकी को एडिटीज रहने दो, एक बार में एक ऑपरेशन लगाओ या तो रो के लिए, अच्छा रो वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो रो के लिए ही लगाएंगे, कॉलम वाला नहीं लेंगे बीच में, ठीक है। 0 माइनस 1 और 4 हो गया, चलिए यहां तक हो गया। अब यही ऑपरेशन लगा दो इसमें, ये वाले में, तो देखो यहां पर कैसे लगेगा। हम लगा रहे हैं R1 1 में हम ऐड कर रहे हैं 3 इंटू आर 3, देखो 3 इंटू आर 3 तो 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6, तो 1 में माइनस 6 ऐड करोगे तो कितना बन देगा, माइनस 5 बचेगा, ठीक है। यहां पे सब में ऐड हो रहा है। फिर देखो यहां पर माइनस 5 आ गया, फिर R1 प्लस 3 R3, तो देखो 0 में 3 इंटू 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। देखो ये वाला स्टेप यहाँ पे देखो, जो काम आप इसमें किए ना इधर वाला फर्स्ट रो के लिए, वही ये वाले के लिए भी फर्स्ट रो के लिए काम करना है। तो देखो यहाँ पर क्या किए हम लोग, 1 में 3 इंटू माइनस 2 जोड़े तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 1 में 6 गया 5, 0 में आप 3 इंटू 0 जोड़ो तो देखो 0, फिर 0 में 3 इंटू 1 जोड़ो तो 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो R2 R3 में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, तो इसको एडिटिव लिख दो 3 1 0, और ये देखो माइनस 2 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो, A, समझ में आ रहा है ना, मतलब फिर से समझो। देखो ये सिंपल काम कर रहे हैं हम, कॉलम को टारगेट बना के काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत अच्छा। अब देखो अब हमको 1 0, अब यहाँ पे 9 को मान लो हमें 0 बनाना है, जैसे 1 0 0 0 1 नहीं, 9 को 1 बनाना है, कितना बनाना है 1। तो आप ऐसा कर सकते हो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो देखो 9 में माइनस 8 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर है ना। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, R2 बराबर लिख देते हैं, R2 प्लस 8 R3 कर देते हैं, ठीक है। देखो एक एक कॉलम करके काम करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक पहला कॉलम दूसरा तीसरा को ऊपर नीचे करके सोचोगे तो मिस्टेक होगा, एक एक कॉलम करके मैं काम कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे 1 0 10 रहने दो, अब हमको यहाँ पर चेंज कर रहे हैं R2 को, तो देखो 0 में 8 इंटू 0 ऐड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अब देखो 9 में 8 इंटू माइनस 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर देखो माइनस 11 में 8 इंटू 4, माइनस 11 में 8 इंटू 4 8 का 32, तो 32 में 11 घटा दो तो कितना हो गया, 2 में गया 1, 3 में से 1 जाएगा 2, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। R3 में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया तो 0 माइनस 1 और 4 रहने दो। अब यही काम ना बच्चों हम लोग इधर भी करेंगे इसके साथ, इसमें भी देखो हम R2 में चेंजिंग करेंगे तो ये माइनस 503 रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 में आपको ऐड करना है 3 प्लस 8 इंटू माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस 16, तो 3 में 16 गया माइनस 13, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 1 में 8 इंटू 0 जोड़ोगे तो ये 1 ही होगा। फिर देखो 0 में 8 इंटू 1 ऐड करोगे, ठीक है, तो 0 में 8 इंटू 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको एडिटिव रहने तो -2 0 1, और ये हो गया 8, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद देखो अब क्या प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ध्यान दो यहाँ 1 0 0, ये 0 1, अब इसको देखो 0 लाना, तो आप इसमें इसको अगर ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो R3 बराबर क्या कर दो, R3 प्लस
R3 प्लस R2 कर दो, तो देखो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग 1 0 10 रहने दिए, 0 1 21 रहने दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो में क्या ऐड करो, जीरो तो जीरो होगा, माइनस वन में वन ऐड करो जीरो हो जाएगा, 4 में 21 ऐड करो तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 में 21 ऐड करो तो 25। यहाँ पे देखो -503 रहने दिया, ये -318 रहने दिया। ठीक है ना, अब इसमें देखो -2 में -13 ऐड कर रहे हैं, तो -2 -13 में -15 हो गया। 0 में 1 ऐड करो 1, 1 में 8 ऐड करो 9, 1 में 8 ऐड करो 9, तो ये देखो A हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करो, देखो 1 0 0 0 1 0 आ गया, अब इसको 0 0 1 करना है। क्या करना है, 0 0 1। तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, R3 में R25 से डिवाइड कर देते हैं, देखो 1 आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो फिर ये सब को, फिर हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, 0 बनाने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो देखो 1 0 10 0 1 21 0 में 25 से भाग दोगे तो 0, 0 में 25 से भाग दोगे तो 0, 25 में 25 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है समझना, -503 -13 18, अभी सब में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 25 से, तो -15 by 25, 1 by 25 और 9 by 25, और ये देखो फिर से क्या हो गया, A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 आ गया, अब 10 21 और 1 है, अब इसको ना आपको 0 0 बनाना है। ठीक, तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, R1 बराबर कर देते हैं, R1 -10 R3 कर दो, देखो तो 10 R3 करोगे तो देखो घट के 0 आ जाएगा ना, 1 में से 10 × 0 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में 10 × 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 में 10 × 1 घटाओगे तो 0 आएगा, ऐसे भी 0 लाना था। देखिए एक एक कॉलम वाइज हमने क्या किया, कंसीडर किया, तो मिल गया ना रिजल्ट, अब फिर एक डिजिट का फिर बच जाएगा ना, ये 1 -10 × 0 1 0 -10 × 0 0 10 −10 × 1 देखो ये भी 0 हो गया, और ये 0 1 21 रहने दो, ये 0 0 1 रहने दो। ठीक है, क्लियर है ना, और यहाँ पर देखो क्या करने है, अब यहाँ पर घटाना है, अब थोड़ा सा आपको रफ यहाँ पे काम करना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं R1 में से 10 R3 घटा रहे हैं, तो देखो -5 में 10 × R3 तो -15 by 25, देखो हम ये घटा रहे हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये R1 हो गया -10 R3 तो 10 × R3 तो घटाएंगे ना, तो -5 और ये -± 10 × 15 by 25 तो 5 3 5 5 होगा ना, 5 3 15 5 5 25 5 2 10 तो -5 + 6 = 1 तो देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 0 में से 10 × इसको घटाएंगे तो 0 - 10 × 1/25 5 2 5 5 तो -2/5 आएगा। ठीक है, फिर 3 में से 10 × 9/25 घटाएंगे तो 5 2 5 5 आ गया ना, 5 5 तो 3 - 18/5 एलसीएम हो गया 5 5 3 15 - 18 -3/5 तो देखो बच्चों यहाँ पे -3/5 क्या आ गया 5। ठीक है, और यहाँ पर देखो -5 R2 में क्या है, R2 में देखो -13 1 8 ये -15/25 ये 1/25 और ये 9/25 और ये हो गया ये। अब आपके पास एक ऑपरेशन और करना है कि इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, R2 में घटा देंगे कितना 21 × R3 तो देखो ये 0 आ जाएगा ना, समझ में आया। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बन ही गया है, एक ऑपरेशन और लगेगा और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, तो मिल जाएगा ना आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके हम इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया इनवर्स में आपका, दैट इज यही क्या कहलाएगा, बी। चलो एक स्टेप और करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है।
देखो इसमें टारगेट बना लो ना कि हमको कॉलम वाइज 100 बनाना है या रो वाइज बनाना है, तो फिर आराम से सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलो हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। देखो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं फिर से, 100 010 021 और 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू। देखो ये 1 है, ये -2/5 है, ये -3/5 है, ठीक है, ये -13 है, ये 1 है, ये 8 है, ठीक है। अब यहां पे देखो -15/25 है, ये 1/25 है और ये 9/25 है, क्लियर है। और इधर कितना हो गया, 8। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो आर टू बराबर हम कर देते हैं R2 -21 R1 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम 21 × 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 100 हो गया। फिर देखो ये 0 में से 21 × 0 घटाओगे तो 0, 1 में 21 × 0 घटाओगे तो 1 में 20 1 × 0 घटाओगे तो 1 21 में 21 × 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, आ गया ना। और ये 0 0 1, और यहां पर देखो ये हो गया आपका 1 -2/5 -3/5, एट इट इज रहा। अब हम इसमें चेंजिंग कर रहे हैं तो अब रफ काम करना होगा ना, तो चलो नीचे में कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, थोड़ा मेहनत का है लेकिन सवाल बन जाते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखो -13 -21 × 21 ×, अच्छा यहाँ R1 मैंने कैसे लिख दिया, ये हो जाएगा बच्चों R3 होगा, देखो ये R3 है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो 21 R2 हो गया -13 आई 21 × R3, तो -15/25। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, 5 × 3 = 15 5 × 5 = 25, तो -13 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 21 × 3 21 × 3 63 / 5, ठीक है ना, होगा ना 21 × 3 63। तो यहाँ पे अपॉन 1 है तो एलसीएम 5 हो गया, तो 13 × 6 = 65 -65 + 63 = -2/5, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/5। अब फिर से हम लोग ऑपरेशन करेंगे इस दोनों के लिए, तो देखो 1 में से 21 × 1/25 घटेगा, ठीक है, तो 1 में से 21/25 घटाओ, घटेगा ना 21 × 1/25, तो 25 एलसीएम, 25 − 21 = 4/25, तो यहां पर हो जाएगा 4/25, ठीक है। अब देखो 8 में से आप माइनस कर रहे हो, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरा रफ करके आपको दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए कैलकुलेशन। देखो 8 − 21 × R3, R3 देखो ये है 9/25, ठीक है ना। अब ये तो नहीं कटने वाला है, किसी से तो नहीं कटेगा, एलसीएम हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 × 8 − 21 × 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 25 × 8 200 हो जाएगा, 9 × 1 = 9 9 × 2 = 18/25, तो 200 में 189 घटाओगे तो 11 आएगा, 11/25, तो यहाँ हो जाएगा 11/25। अब इसमें देखो हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो -15/25 1/25 9/25, और ये हो गया ए, ठीक है, ये क्या हो गया ए, और यही बच्चों क्या कहलाया, ए इनवर्स, चूंकि यहाँ पे हमने आई ले आया, तो देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1 − 2/5 − 3/5 − 2/5 4/25 11/25 − 15/25 1/25 और 9/25, यही आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 3×3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इन्वर्स निकालना। ओके, थैंक यू।